अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बकराई स्पेशल में हनी गार्लिक स्टेक बाइट्स। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, जिनको चाइनीज़ पसंद है उनके लिए भी बेस्ट है। मतलब ये बीफ की स्टेक है, सिंपल तरीके से हम आज आपको बनाना सिखाएंगे। तो इसे हम बनाएंगे ईवा कुकिंग ऑयल में। ईवा कुकिंग ऑयल ईवा कनोला ऑयल और ईवा सनफ्लावर ऑयल का सेहतमंद ब्लेंड है। फितरत में हल्का होने की वजह से ना तो ये खाने में ज़्यादा जज्ब होता है और मैदे पे भी हल्का रहता है और खाने का जायका भी बरकरार रखता है और कोलेस्ट्रॉल से पाक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा किलो बीफ के स्टेक्स बाइट्स लिए हैं। ये देखें इतने इतने बाइट्स हमने करवा लिए। और यहाँ पे हनी लेंगे हम 2 टेबलस्पून, सोया सॉस लेंगे हम 2 टेबलस्पून, सिरका लेंगे 1 टेबलस्पून, लहसुन लेंगे क्रश किया हुआ 1 टेबलस्पून, पेपरिका पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, तिल लेंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, पाउडर नहीं है ये क्रश की हुई काली मिर्च है, ठीक है। नमक लेंगे हम हसबे जायका, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है। और ईवा कुकिंग ऑयल लेंगे हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून। तो सबसे पहले हम इस पर लगाएंगे सिरका, नमक, क्रश किया हुआ लहसुन, सोया सॉस, पेपरिका पाउडर, काली मिर्च क्रश की हुई और ये हनी, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे ईवा कुकिंग ऑयल, मिक्स कर लेंगे, उसको कवर करके छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं, तो अब इसको हम कुक करेंगे। एक पैन लेंगे, इसमें डाल देंगे ईवा कुकिंग ऑयल तकरीबन 4 टेबलस्पून। ऑयल को सारा सेट कर लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे स्टेक। तो जैसे इसका जो पानी है वो ड्राई होगा और इसकी साइड पलट पलट के हम इसे कुक कर रहे हैं, तो जैसे ये कुक होंगे तो बस हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो सिंपल और इजी रेसिपी है। तो ये देखें हनी स्टेक बाइट्स हमारी रेडी हैं। इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे तिल, मिक्स करेंगे और डिश आउट कर देंगे। फिर से थोड़े से हम स्प्रिंकल कर देंगे तिल। तो तैयार है हमारे हनी गार्लिक स्टेक बाइट्स। तो यकीनन आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो अगर आपको ये हनी गार्लिक स्टेक बाइट्स की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके आप किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके आप लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि उससे आने वाली हमारी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़।